आप देख रहे हैं दखल न्यूज। फिल्मिस्तान क्षेत्र के एक कारखाने में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। कुछ लोगों का धुएं से दम घुटने लगा। एक एक कर 43 लोगों की जान चली गई। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग ने बताया कि 56 से अधिक लोगों को आग से बचाया गया है। बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी थी। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि आग से 3 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में लगी रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह रही होगी। इमारत की एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी मोहम्मद आजाद ने बताया कि फैक्ट्री में करीब 300 लोग सो रहे थे। आग दूसरी और तीसरी मंजिल में लगना शुरू हुई थी, इसीलिए हादसे के बाद पहली और दूसरी मंजिल में रह रहे कई लोग बच निकले में कामयाब हो गए, जबकि जीने तक आग फैलने के बाद दूसरी और तीसरी मंजिल में कई लोग आग में फंस गए और वहां से नहीं निकल पाए। हमारे मेरी नॉलेज में सबसे बड़ा रस्ते होता है जो लोगों ने किया है, देखिए ये अभी नहीं बता पाएंगे, इस टाइम में जान बचाने का है, लोगों की जान बचाई जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि जब एक एम्बुलेंस बाहर निकलती है तो ही दूसरी एम्बुलेंस अंदर आ पाती है। जिस मकान में आग लगी थी वहां 6 फैक्ट्रियां चल रही थी। अंदर फंसे लोगों को निकालने के बाद घायलों को RML अस्पताल, लेडी हार्डिंग और हिंदू राव अस्पताल सहित 4 अस्पतालों में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को मजदूरों ने देर रात करीब 1 बजे तक काम किया था, लिहाजा जब आग लगी तो वे गहरी नींद में सो रहे थे। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड में मृतकों के करीबी रिश्तेदारों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ IPC की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की DCP नॉर्थ मोनिका भारद्वाज ने कहा कि इमारत के मालिक रेहान के खिलाफ IPC की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया है, फिलहाल वह फरार है। हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में तेलंगाना के एक वरिष्ठ मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। राज्य के पशुपालन मंत्री तलासानी श्रीनिवास यादव ने चारों आरोपियों के एनकाउंटर को सही ठहराते हुए कहा कि कोई भी इस तरह का क्रूर अपराध करता है तो वह पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की उम्मीद कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक सबक है। यादव ने एक स्थानीय टेलीविजन चैनल से कहा कि यदि आपका आचरण गलत है तो आप किसी भी अदालती मुकदमे, जेल की सजा या बाद की जमानत से लाभान्वित नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यादव ने अभियुक्तों की हत्या पर कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए चंद्रशेखर राव की प्रतिबद्धता का यह एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही मजबूत संदेश है जो हमने दिया है। यह आदर्श है जिसे हमने देश के लिए निर्धारित किया है। हम न केवल अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बल्कि कानून व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के माध्यम से भी एक मॉडल स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कई ऐसे हैं जो उनका समर्थन करते हैं। इससे पहले तेलंगाना के परिवहन मंत्री पी अजय कुमार ने भी एक ऐसा ही दावा करते हुए कहा था कि राज्य ने खुद को त्वरित न्याय देने का रोल मॉडल बनाया है। मंत्री ने पत्रकारों से कहा था कि हमने दिखाया है कि अगर कोई हमारी बेटियों पर बुरी नजर डालता है तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। मुठभेड़ से पीड़ित के परिवार को शांति मिली है। सफदरगंज अस्पताल में शनिवार को पीड़िता का निधन हो गया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना फंड से पीड़िता के परिवार के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान हुआ था। साथ ही सरकार ने पीड़ित परिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का भरोसा दिया है। पीड़िता की बहन को नौकरी देने का वादा सरकार ने किया है। उन्नाव रेप पीड़िता के परिजनों से पुलिस प्रशासन ने बात की और पुलिस प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने कहा शव को दफनाएंगे, वहीं पीड़िता का स्मारक बनेगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए दिए गए हैं। पीड़ित लड़की की बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आवास योजना के तहत परिवार को मकान दिया जाएगा और मौजूदा मकान को पक्का किया जाएगा। लड़की की बहन को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी, घर पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। परिवार निर्धन है और इनके अपने जो संसाधन है वो भी सीमित है, मजदूरी करते हैं और बहुत ही गरीब परिवार है, तो जो सुविधाएं हैं हम वो भी साथ में एक हमारे जो होना चाहिए अदरवाइज भी होना चाहिए वो सरकार की ओर से हम उपलब्ध कराएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की दया करके या किसी प्रकार से उसको अन्यथा लिया जाए, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के भाव से हम उनको अलग से बाकी सुविधाएं भी सरकार की ओर से जो अनुमन्य होती दी जाती है वो देंगे। मौका कौन फाउंडेशन द्वारा आयोजित सेमिनार का था जो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागार में हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने जब संबोधन दिया तो कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव भी एक पल को सोच में पड़ गए होंगे कि मध्य प्रदेश की धरती पर भी मेरे जैसा कोई है। जी हाँ, सुनिए कि क्या बोल गए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति। हमारे जो शंकर हैं देवादी देव माननीय कमलनाथ जी, उनको बुलाते रहिए, स्पीकर अपने आप पीछे आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने साहब, ये तो चापलूसी की हद है। अध्यक्ष महोदय की बात सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुख्यमंत्री कमलनाथ देवादिदेव महादेव हैं तो वे खुद महादेव के गण हैं। एक बार फिर सुनिए कि वो कमलनाथ को देवादिदेव बताकर अपने आप के बारे में आयोजकों को क्या बताना चाह रहे हैं। बस ये है कि हमारे जो शंकर हैं देवादिदेव माननीय कमलनाथ जी, उनको बुलाते रहिए, स्पीकर अपने आप पीछे आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप समझ ही गए होंगे अध्यक्ष जी क्या कहना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो शंकर हैं यानी कमलनाथ जी को बुलाते रहिए तो उनके गण यानी स्पीकर खुद आते रहेंगे। यह सब अध्यक्ष महोदय कमलनाथ की मौजूदगी में बोला जा रहा था। वे कमलनाथ को भगवान शंकर बता रहे थे और कमलनाथ ये सब सुनकर अपने आप को आत्ममुग्ध महसूस कर रहे थे। ये सब क्या कह गए अध्यक्ष महोदय? वे क्या अपने पद की गरिमा भूल गए थे? वे शायद भूल गए कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पद एक समान होता है। और अध्यक्ष जी, आप तो पक्ष हो या विपक्ष, सभी विधायकों के मुखिया हैं। आपका हर काम निष्पक्ष होता है, मगर आपकी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की कृपा से मिले इस पद का ऋण उतारने के लिए आप कमलनाथ को भगवान शंकर बताकर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो शंकर हैं देवादी देव माननीय कमलनाथ जी, उनको बुलाते रहिए, स्पीकर अपने आप पीछे आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिए बयान कि हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे तो कमलनाथ किस खेत की मूली है से कांग्रेसी भड़क गए और धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में गुलाब और कार्ड लिए शिवराज सिंह चौहान को गेट वेल सून कहने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें शिवराज सिंह चौहान के बंगले से कुछ दूर पहले ही रोक लिया तो कांग्रेसियों की इस बीच पुलिस से झड़प हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शिवराज के दिए बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए और फिर भाजपा की पूर्व सरकार और शिवराज के खिलाफ नारे लगाते हुए उनके बंगले की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प हो गई। शिवराज ने सागर में प्रदर्शन के दौरान सीएम कमलनाथ के खिलाफ बयान दिया था। शिवराज ने अपने बयान में कहा था कि इंदिरा गांधी से नहीं डरे तो कमलनाथ किस खेत की मूली हैं। अरे कमलनाथ, हम तो इंदिरा गांधी से नहीं डरे रे। जब छोटे छोटे से थे तब जेलों में इमरजेंसी में रहे रे, तो तुम किस खेत की मूली हो। हम यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से आकर प्रदर्शन करने आए हैं। अगर हम लड़ाई लड़ने के लिए आते तो हम ये रोडों पर फड़ देंगे,
तो ये हम आपको ये बता रहे हैं, चेता रहे हैं, प्रशासन का ये काम नहीं है कि प्रशासन जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दबा के कुचल दे और उनको यहाँ पर दादागिरी से रोक ले और ये कहे कि वहाँ पर SDM बैठा हुआ है वहाँ पर जाके बात करिए। बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ से गिरफ्तारी देंगे और अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी और उनके साथ के सभी कार्यकर्ता करीब 500 के आसपास थे, सभी लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे। नेक्सा शोरूम के सामने बैरिकेड पे इनको रोक लिया गया था। कुछ दो तीन कार्यकर्ता, चार पांच कार्यकर्ता आगे निकल गए थे, उनको थोड़ा सा और आगे जा करके रोक लिया गया था। इनके द्वारा SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है और तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। कुछ बैरिकेड तोड़ के भी कार्यकर्ता नहीं, बैरिकेड तोड़ करके नहीं, दो चार लोग बीच में से निकल गए थे तो उनको काफ़ी पहले रोक लिया गया था और वहाँ पर तहसीलदार साहब को बुला के ज्ञापन करा दिया गया। नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, आंदोलन शांतिपूर्वक खत्म हो गया। कमलनाथ सरकार के दबाव में काम कर रही भोपाल पुलिस ने जब कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी पर केस दर्ज नहीं किया तो सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को कमला नगर थाने में धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन सरकार के दबाव में पुलिस विधायक के खिलाफ FIR नहीं कर पाई। सांसद प्रज्ञा ने थाने में कहा कि मैं खुद चलकर आई हूँ तो लिखित में शिकायत की क्या जरूरत है, अभी FIR दर्ज की जाए। पुलिस अधिकारियों ने आनाकानी की तो साध्वी ने पुलिस अफसरों के सामने चूड़ियां फेंककर आक्रोश जाहिर किया और धरना दिया। मैं यहां 2 घंटे से बैठी हूं, लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। मुझे कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी ने जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी है, उसके खिलाफ मैं FIR करने आई हूं और पुलिस प्रशासन फोन पे फोन लगाता रहा, लेकिन ये इतने दबाव में है कि इन्होंने, कांग्रेस सरकार के इतने दबाव में है कि इन्होंने किसी भी प्रकार से FIR करने के लिए मना कर दिया है और इसलिए अब हम सत्याग्रह करेंगे और इसी थाने के गेट पर धरना देंगे जब तक हमारी FIR नहीं लिखी जाती। मैं न्याय व्यवस्था में विश्वास रखती हूँ, कानून व्यवस्था में विश्वास रखती हूँ और इसलिए मैं कानूनन खुद थाने चल करके रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ और इन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, इसलिए मैं सत्याग्रह कर रही हूँ। साध्वी के समर्थक इस दौरान पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठे रहे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें ऊपर से मामला दर्ज नहीं करने के निर्देश मिले हैं। इसके बाद करीब 1.5 घंटे प्रज्ञा और उनके समर्थक धरने पर बैठे रहे। बाद में BJP हाईकमान से फोन पर बात होने के बाद प्रज्ञा ने धरना समाप्त कर दिया। संसद में नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी ने घोषणा की थी कि वह प्रज्ञा सिंह को जिंदा जला देंगे। कांग्रेस राज आते ही वक्त बदला तो रेत माफियाओं के हौसले फिर बुलंद हो गए। छतरपुर में रेत माफिया सरकारी कर्मचारियों को धमकाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला चंदन नगर रेंज के सिगोन का है, जहां वन विभाग में पदस्थ बीट गार्ड अयोध्या प्रसाद ध्रुवे को डंप रेत पर कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी रेत माफियाओं ने दी है, जिस पर बीट प्रभारी ने बमीठा थाने में लिखित शिकायत की है और धमकी देने वाले का ऑडियो भी पुलिस को दिया है। जान से मारने की धमकी दी गई, शासकीय कार्य बाधा उत्पन्न की गई है। छुट्टी से आने के बाद अवैध रेत का जो डंप था उसको हम लोग परिवहन करा रहे थे अपनी चौकी में, जिसमें POR वगैरह भी दर्ज कराई गई थी, पूरी विधिवत कार्रवाई हुई। रात्रि के समय परिवहन के जस्ट बाद उन्होंने आकर के धमकी दी संबंधित बीट गार्ड को, ध्रुवे नाम है उसका। उसने मुझे जैसे ही बताया तो वरिष्ठों से निर्देश लिए, उन्होंने कायमी दर्ज कराने की सूचना दी थाने में जाकर। MP में चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच प्रमुख कस्बों और शहरों में कुल 208 संजीवनी क्लिनिक खोली जाएंगी। इनमें 88 सुविधाएं मार्च 2020 तक चालू हो जाएंगी। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के आधार पर बने ये क्लिनिक अभी तक इस तरह की सेवाओं से दूर रहे शहरी झुग्गी बस्तियों के लोगों को OPD सेवाएं देने के लिए बनाए गए हैं। पहले चरण में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में क्लिनिक का उद्घाटन किया जाएगा। भोपाल की 4 इमली झुग्गी बस्ती में जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति ने संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस समय 2 जगह मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हो रही है। इंदौर में आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कर रहे हैं और भोपाल में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय NP प्रजापति जी कर रहे हैं। और ये मोहल्ला क्लिनिक में 120 दवाएं निशुल्क, ब्लड और बाकी सब टेस्ट निशुल्क, डॉक्टर सुबह 10 बजे से बैठेगा 4 बजे तक, और एक तरह से लोगों के घर घर इलाज पहुँचाना ये इसका कंसेप्ट है। और कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो रही है, आज भोपाल में
ये प्रियदर्शी नगर में। यह है अद्वितीय कार्य योजना, ऐसी अद्वितीय कार्य योजना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ और सिर्फ पीसी शर्मा यही तो दे सकते हैं। यही है हमारी कार्य योजना। ये वास्तविक रूप में अंतिम छोर तक मानव सेवा करने की पहल है। ये क्लिनिक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। इनमें सामान्य ओपीडी सेवाएं, गर्भवती माताओं के लिए प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, संक्रमण और गैर संक्रमण रोगों की स्कैनिंग, यह एमसीडी विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मधुस्तन और गर्भाशय कैंसर के रोगियों की जांच, परीक्षण और पंजीकरण भी किया जाएगा। क्लिनिक में 68 प्रकार की जांच होंगी और लगभग 120 दवाएं मुफ्त दी जाएंगी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सिंगरौली के डोंडकी पहुंचे पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार में अब हर अधिकारी जनप्रतिनिधि आपके घर तक पहुँच रहे हैं। पहले आम जनता और किसानों को तहसील और कलेक्ट्रेट कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार खुद आपकी समस्याओं का निराकरण करने आपके द्वार पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता किसान और आम जनता को सुविधाएं देना है। आपकी हर समस्या का निराकरण अब आपके गांव में ही किया जाएगा। हमारा काम है निराकरण करने का, और ज्यादा से ज्यादा निराकरण हो, ज्यादा से ज्यादा सरकार के लोग जमीनी स्तर पर पहुंचे, उसके लिए सरकार पूरी तरह से सतत प्रयास कर रही है। और यही तो लोकतंत्र है, यही तो प्रजातंत्र है कि लोग अपनी बात कहीं भी जाके कह सकते हैं, पर सुलभ करने के लिए और सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से मंत्री भी जाते हैं और जिले के बड़े से बड़े अधिकारी सारे लोग वहाँ जाकर सुनवाई करते हैं, तत्काल निराकरण करते हैं। और हम समझते हैं इससे अच्छी पहल नहीं हो सकती, और कोई एक दिन एक सप्ताह के लिए नहीं है, ये तो पूरे 5 साल के लिए हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। इस जन समस्या निवारण शिविर में मंत्री पटेल ने जनता के कई आवेदनों का निराकरण मौके पर ही कराया। मंत्री ने स्व सहायता समूहों को ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सब्जी उत्पादन के लिए 21,15,000, वहीं हितग्राहियों को लाडली लक्ष्मी योजना, मातृत्व वंदन योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर पटेल ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया। बुधवारी बस्ती बजरंग चौक खपरापारा में रहने वाला इंद्रपाल टुंडे पति से अलग एक बच्ची के साथ रहने वाली 32 साल की एक महिला के पीछे लंबे समय से पड़ा हुआ था। महिला ने उसे कई बार फटकार भी लगाई, इसके बावजूद वह महिला का पीछा करता रहा। परेशान होकर पीड़ित महिला मकान बदल लेती थी, पर वह भी आसपास क्षेत्र में ही किराए का मकान लेकर रहने लगता था। 4 अक्टूबर को उसने आंगन में नहाते वक्त महिला का वीडियो मोबाइल में बना लिया और उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने लगा। जब महिला ने वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया तो युवक ने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसकी शिकायत पुलिस से की गई और आईटी एक्ट के तहत इंद्रपाल की गिरफ्तारी की गई। ये सरफिरा जेल से छूटने के बाद से ही महिला से बदला लेने की फिराक में था। शुक्रवार ये युवक महिला के घर जा धमका और विवाद करने लगा। इस बीच धारदार हसीये से उसके चेहरे पर कई बार कर बुरी तरह उसे जख्मी कर दिया। बर्बरतापूर्वक की गई हरकत से महिला के चेहरे, गर्दन, नाक व कान में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर अवस्था में महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, वहीं आरोपी को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पर इंद्रपाल टोंडे नाम के व्यक्ति ने, जो इसका पूर्व परिचित है, ने हत्या से हमला किया है। महिला गंभीर होने की स्थिति में थी, घायल जिसको अस्पताल लाया गया है, अस्पताल में भी स्थिति उसकी सुधर गई है, सामान्य स्थिति है। कई जगह पर वार किए, मल्टीपल इंजुरी है महिला के फेस में और बॉडी में, कई जगह पर धारदार हथियार से वार किया गया। आरोपी को पकड़ लिया गया है और आरोपी को भी चोट लगी हुई है। ऐसा लगता है कि इनके बीच में आपस में संघर्ष भी हुआ है और आरोपी को भी अस्पताल में भी एडमिट कराया। इंद्रपाल मूलतः मुंगेली जिले का लोरमी निवासी है। घटना के बाद आरोपी भागता, इससे पहले आसपास के लोगों ने उसे घेर कर दबोच लिया। खून से लथपथ गंभीर अवस्था में पड़ी महिला को देख लोगों का गुस्सा भड़क गया और उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पिटाई से उसके सिर में भी चोटें आई हैं। ग्राम कापुर विदिशा निवासी 80 वर्षीय गोपीबाई को घायल अवस्था में 3 दिसंबर की रात 108 एम्बुलेंस से हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती महिला गोपी के पर्स से 26,000 रुपए चोरी हो गए।
यह चोरी अस्पताल की सफाईकर्मी यूडीसी कंपनी की कर्मचारी उमा सिलावट ने की। उसकी यह चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे यह महिला की पहचान हुई। पुलिस ने महिला कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उमा के पास से चोरी की रकम भी बरामद की। हालांकि पुलिस को जो रकम मिली है वो कुछ कम है। पुलिस को आशंका है कि चोरी की वारदात में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने वारदात के बाद रकम का आपस में बंटवारा कर लिया होगा। कोयबिजा थाना पुलिस की माने तो प्रकरण दर्ज करने के बाद एक टीम को गंजबासौदा भेजा गया था, जहां से आरोपी उमा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की टीम उसे थाने लेकर आई और वारदात के संबंध में उससे पूछताछ की। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो वे खामोश हो गई। पुलिस उससे वारदात में शामिल दूसरे लोगों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।